व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज रौनक मम्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई आप लोग? तो अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के 2:38। तो अभी हम जा रहे हैं भाई कुछ काम करवाने कार का। वो क्या काम है, जैसे कि एक भाई ने हमें कमेंट करा था कि भाई मैं स्पीकर लगवाया, मैंने पीछे स्पीकर लगवाया डिक्की पे, तो जो हमारा ट्रे है, जो मेरा ट्रे है वो गिर गया है और उसका जो स्क्रू है वो लूज हो गया। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ है। तो अभी साइड में भाई बैठे हुए मेरे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिट करवाने। वो हम लोग कैसे फिट करवाएंगे वो भाई आपको दिखाएंगे प्लस बताएंगे भी। तो अभी हम लोग जाते हैं भाई दुकान जहाँ पे हम लोग फिट करवाना है, फिर वहाँ जाके हम लोग सारी बातें आप लोग से करते हैं। तो भाई देखो, मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है जमशेदपुर में। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मानसून का भी मौसम चल रहा है, घूमने फिरने वाला मौसम है। देखो हम लोग ने एसी भी ऑन नहीं किया करा क्योंकि ठंड हवा चल रही है यार। अच्छा वेदर है जमशेदपुर में। तो अभी चलते हैं अपने दुकान पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चाचा का दुकान है, तो वहाँ पे जाते हैं, फिट करवाते हैं और आप लोग को पूरा दिखाते हैं। वीडियो एंड तक देखना, और जितने भी मेरे चैनल पे नए जुड़े अभी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो भाई फाइनली अपने दुकान पे आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो गोल्डन कार केयर, ये अपनी कार खड़ी है। प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, अभी आपको दिखाते हैं डिक्की खोल के। भाई देखो, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लैंप लगवाया था, मैं आप लोगों को क्लोजली दिखाता हूँ। तो यहाँ से स्क्रू उतर गया है और यहाँ से भी उतर चुका है। काफ़ी भाइयों को कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे भी कि भाई हमने भी पीछे ट्रे लगवाया था, हमारे साथ भी यही हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी भाई बताएंगे, अभी तो नहीं, मतलब जब भाई फिट करने आएंगे, अंदर से स्टाफ है वो फिट करने आएंगे, तो भाई बताएंगे कि कैसे फिट करना है कैसे नहीं, क्यों, ताकि आप लोग का कभी सामान, मतलब ये जो स्पीकर है वो कभी गिरे ना, मतलब जो ट्रे है वो कभी गिरे ना। अभी बता देते ना, हाँ दो क्लैंप लगाना है, एक ये यहाँ ही पे रहेगा, एक वाला क्लैंप ये वाला यहाँ लगवा लेंगे। अच्छा, क्या बैलेंस यहाँ से भी बना रहेगा, उधर से ही बना रहेगा, तो टूटेगा ही नहीं। अच्छा, ड्रिल करवा के हमेशा करवाना, आज अभी हम ड्रिल करवा के करवाएंगे। हाँ, साइड साइड में ट्रे के यहाँ पे ड्रिल करवाएंगे और टाइट अच्छा वाला स्क्रू लगवाएंगे, ऐसे में वो बार बार खुलेंगे। अंदर से भाई स्टाफ आएंगे तो वो लोग फिट करेंगे, बाकी भाई पूरा बात बताएंगे। और पूरा आप लोग को वीडियो एंड तक देखना कैसे फिट हो रहा है कैसे नहीं। और एक बात आप लोग को बताता हूँ कि हम लोगों ने पहले जो स्पीकर लगाया था, जो हम लोगों ने पहले स्पीकर लगवाया था, मतलब जो ट्रे है वो हम लोगों ने बहुत ऊपर करवाया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत ऊपर क्लैंप है। तो अभी इसको खोल के नीचे में करेंगे, थोड़ा भाई उठा के दिखाना इनको। जैसे कि पहले कैसा था वो पहले दिखाओ। पहले बहुत ऊपर था और आउटपुट भी अच्छा नहीं आता था, मतलब जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती थी, ठीक है, पता नहीं चलता था कि बेस मार रहा है कि नहीं, मतलब नॉर्मल आवाज़ आता था, उतना मज़ा नहीं आता था सुनने में। इतना था पहले इतना ऊपर था, देखो अभी इतना करवाएंगे, अभी इतने नीचे करवाएंगे ताकि साउंड आउटपुट भी अच्छी आए। तो भाई अभी थोड़ा बिजी है, आके फटाफट देखते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं। बाकी गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, गाड़ी को वॉश नहीं करवाया क्योंकि मानसून का सीज़न है यार, गाड़ी धुलवा के कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश 24 घंटे आ रही है, जैसे कि अभी हम लोग घर से निकले थे तो अभी भी बारिश आ ही रही थी। अभी थोड़ा बहुत मौसम ठीक है लेकिन बारिश आती है फिर रुकती, आती है रुकती, तो गाड़ी धुलवा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। भाई दोपहर के बज रहे हैं 3:30 ऑलमोस्ट, और भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यार। वहाँ पे देखो हमारा ट्रे पड़ा हुआ है, ड्रिल मशीन से उसको पूरा कटिंग करना, मतलब कटिंग नहीं, उसमें पॉइंट्स डालना है, छेदा करना है। तो पहले भी किया था, देखो यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैठे हुए कार पे। भाई टाइम बज रहे 3:43 और लाइट आ चुकी है, देखो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देखो। भाई हो गया है, यहाँ पे देखो साइड में नहीं करवाए हैं, खाली यहाँ पे हुआ है। गाड़ी का लुक खराब होता ना, हाँ गाड़ी का लुक खराब होता है। बाकी ये वाला लगा के देखते हैं, अगर ये वाला ठीक रहा वैसे तो 100 हाँ, तो चेंज करवा के हम लोग फिर बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स में स्पीकर फिट करेंगे। बाकी मौसम देखो यार, एक नंबर मौसम है। खोल
जैसे आप लोग देखो यहाँ पे करवाया हम लोगों ने, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अगर बहुत जगह में अगर छेदा करवाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, गाड़ी का लुक ख़राब होगा और स्क्रैच भी आप लोग देख रहे हो थोड़े बहुत आ चुके। चलो वो सब तो इतना चलता ही है, बाकी ये हम लोग का लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद भी अगर गिरा या खुला तो हम लोग फिर बॉक्स में फिट करवाएंगे। वैसे तो इतना एक्सपीरियंस कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग आप लोग को ए टू जेड बताते हैं भाई कि हाँ चलो हमारे साथ ये हुआ, तो हम उसके भी ब्लॉग हम लोग बना के डाल देते हैं। ये तो हम लगा लिए थे, मेरे को थोड़ा पैग वगैरह रखने में आसानी होता है पीछे। कुछ भी बाकी ठीक है यार, देखते हैं कितना दिन ये टिकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये वाला नट हम फिट करेंगे, इसको क्लोजली आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसका साइज नहीं पता है, साइज तो नहीं पता है, लेकिन यही वाला एक नट है। ये वाला स्क्रू आप लोग देख रहे हो डेढ़ इंची लंबाई है, ये वाला फिट करेंगे। अभी चलते हैं दुकान और फिट करवाते हैं। और ये शॉप आया स्क्रू का, और ये वाला आप लोग देखें फिट करेंगे। चलते हैं देखते हैं अभी कैसा क्या है, हिलेगा तो नहीं स्पीकर। कितना हुआ अंकल? 200 रुपया। भाई अब टाइम बज रहे हैं 4:30 शाम के, और आप लोग देख रहे हो कि भाई हमारा यहाँ पे पूरा खुल चुका है बैग का। अब ये क्यों खोला है भाई ने वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो भाई स्टाफ है, चलो स्टाफ तो है लेकिन भाई जैसे अपने, मैंने उनको बोला कि भाई अगर आप यहाँ से पूरा टाइट कर दोगे तो क्या होगा कि भाई जो अंदर वाला जो है, अंदर का जो क्लैंप है, जैसे अभी इसको खोल रहे तो अंदर देखो भाई, अंदर का इसका कोई घाट नहीं है मतलब टाइट होने के लिए, ठीक है। ये वाला जो स्क्रू है उसका, तो भाई ने बोला है कि इसको उतार के अंदर में भी स्क्रू लगाएंगे ताकि ये अंदर से भी टाइट हो जाए। जो मैं ले कर आया हूँ आप लोग देख लो ये वाला, वो वाला यहाँ पर जो दोनों छेदा है वहाँ पर हम लोग फिट करेंगे। तो ओवरऑल जब पूरा फिट हो जाए फिर आप लोग को दिखाते हैं। बाकी साथ ही साथ आप लोग को ये भी दिखाते हैं कि भाई बाहर देखो, अभी भाई आ रहे हैं तो ये वाला खुल चुका है, अंदर का भी क्लैंप लगाते हैं। अभी कौन सा क्लैंप है वो लेके आते हैं भाई, फिर आपको दिखाते हैं, ताकि भाई एकदम पूरा जो ट्रे है वो पूरा हार्ड हो जाए और गिरे ना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं, भाइयों ने बोला भी इंस्टाग्राम पे कि भाई बताओ मैंने ट्रे लगाया कि मेरे ट्रे गिर जाता है बार बार, स्क्रू ढीले हो जाते हैं, क्लैंप ढीला हो जाता है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ आप लोगों की, कौन सा अंदर क्लैंप लगे, कौन सा लगे भाई दिखा। तो ये वाला भाई लगेगा अंदर में, इसके अंदर में देख लो आप लोग, क्लोजली आपको दिखाता हूँ कैमरा करके। इससे क्या होगा कि भाई ये वाला जो लूज है ना, ये तो जैसे ये हिल रहा है, ये हिलेगा नहीं, ये पूरा टाइट हो जाएगा, खो जाएगा, क्योंकि अंदर में भी क्लैंप लग जाएगा। देखो ये जैसे हिल रहा है ना, तो भाई देखो यार फिट हो चुका है और ये पूरा टाइट हो चुका है, ठीक है। अब तो भाई कोई चांसेस नहीं है अपना ट्रे उतरने का, आप लोग देख ही लो। बाकी फिट हो जाता है एक बार, फिट होने के बाद भी आप लोग को एक बार हिला के दिखा देंगे कि भाई ठीक है कि नहीं, ठीक है ना भाई। अपने कार पे साइड बीडिंग भी लग चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया मेरे कार में क्या हो गया था कि भाई यहाँ से डेंट मार दिया था एक, मतलब डेंट हो गया था, तो ये सब चीज़ जो लगी रहता है ये क्या होता है कि भाई डेंट से काफ़ी बचाता है और गाड़ी की लुक भी इनहेंस करता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। जो डॉक्टर को ना कम नॉलेज रहता ना, डॉक्टर को तुमको लेटरिंग हो बुखार हो पीले में दवा दे देगा। सही बोल रहे, हो गया ना। तो भाई देखो फाइनली ट्रे भी पूरा मजबूत हो गया, देखो एकदम नील रहा, मतलब पूरा टाइट हो गया। और ये परमानेंट सोल्यूशन है तो उतरने से रहा,
मतलब पूरा का पूरा टाइट हो गया, अब कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। भाई टाइम देख लो, 5:16 हो गए दोपहर साहब, और कितने लोग भाई काम कर रहे, देखो चाचा भी अपने, और कार देखो भाई, कार की लुक, बस कार थोड़ी गंदी की, कार वॉश नहीं करवाया, बाकी पीछे ट्रे लग चुका है, पूरा टाइट हो चुका है, अब तो भाई परमानेंट सोल्यूशन हो चुका है वो, अब गिरने से रहा, और बाकी यहाँ पे साइड बीडिंग भी लग चुकी है, आप लोग देख लो।